हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं दुर्गों से संबंधित, महलों से संबंधित। राजस्थान के जो महल हैं, दुर्ग किसने बनवाया, कौन सा दुर्ग कहाँ पर है, ठीक है, इस दुर्ग को हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो सभी हम बातें करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, चार ऑप्शन देख के आंसर देने की कोशिश करें। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में सभी बच्चों ने सही आंसर देने की कोशिश की है और सभी के ही आंसर सही थे, तो मैंने सभी के कमेंट देखे तो बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से जो है वो आप लोग सही से जो है वो आंसर दें और ऐसे ही रेगुलर पढ़ाई करते रहें। तो क्वेश्चन वन देखें, वह कौन सा किला है जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। तो उस दुर्ग का नाम क्या है, किले का नाम क्या है, चूरू का किला चूरू में, लोहागढ़ किला भरतपुर में, कैसरोली का किला कैसरोली में और जूनागढ़ का किला बीकानेर में। तो बताइए कि वह कौन सा दुर्ग है जहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। तो आप क्या लगा रहे हैं आंसर? बिल्कुल देखिए, सही है, बिल्कुल सभी का सही है। और वह किला कौन सा है? चूरू का किला है, ठीक है, चूरू का किला, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर जो कुशाल सिंह थे, उन्होंने चूरू के किले का निर्माण करवाया था। ध्यान में रखिएगा, यही वो महत्वपूर्ण किला है जहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो बीकानेर राज्य था उसकी सेना ने चूरू पर जो है वो आक्रमण कर दिया था और इसे चारों ओर से घेर लिया था, तोपों से गोलों से यहाँ पर जो है वो बरसात करनी शुरू कर दी थी। तो जवाब में जो है चूरू के किले में जितने सैनिक थे तो उन्होंने भी जो है जवाब में गोला बारूद बरसाए, लेकिन जब गोला बनाने का जो शीशा था वो समाप्त तो हो गया, गोला बनाने का जो शीशा था वो समाप्त तो हो गया था, तो क्या किया था, जितने भी वहाँ के सेठ साहूकार थे और आम जन थे, तो उन्होंने अपने अपने घरों से लाकर जो है वो चांदी जुटाई, ठीक है, और चांदी लाके ठाकुर कुशाल सिंह के सामने रख दी। तो जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना भी हैरान रह गई कि अरे क्या, ये तो यहाँ पर शीशा भी समाप्त हो गया था, गोला बारूद जो है वो अब नहीं बरसा सकते थे, तो ये अब जो है कहाँ से आया। तो ये सब देखकर वो लोग हैरान हो गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। तो ये जो किला था वह कौन सा था? चूरू का किला, याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं लास्ट प्रीवियस, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हों, सेकंड ग्रेड के हों, पटवार के, ग्राम सेवक के हों, सभी प्रश्न आपके टॉपिक से संबंधित आप लोगों को करने चाहिए जो कि आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी हो सकता है इनमें से रिपीट हो जाए। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़ दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का, अचलगढ़ या गागरोन दुर्ग का? तो बताइए कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था। तो आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, तो जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो फटाफट आंसर देते हैं, तो ऐसे ही पढ़ाई आप लोग करते रहे, कि मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, ठीक है, याद रखिएगा। कुंभलगढ़ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया कुंभलगढ़, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। और कुंभलगढ़ की जो दीवार जो है वो 36 किलोमीटर लंबी है, ये भी याद रखिएगा, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये ईओ जो एग्ज़ाम है 2007 इसमें आया है, और देखिए अभी जो आरओ ईओ के आप लोगों ने फॉर्म भरे भी होंगे, जहाँ पर राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मंदिर से भी संबंधित प्रश्न है आज की प्रश्न श्रृंखला में। सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, कच्छप घाट शैली का या गुर्जर प्रतिहार शैली का? तो बताइए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है? तो आपको याद हो
कि किराड़ू, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? किराट कूप। क्या था इसका पुराना नाम? किराट कूप था। और ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, तो ये जो मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, तो यहाँ किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? इसका सही आंसर है गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। ये जो प्रश्न है, ये देखिए, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में। तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड यहाँ पर आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा पैलेस? चंद्र महल पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, सामुद महल या उम्मीद भवन पैलेस? तो ऐसा कौन सा महल है जिसको हम चीतर पैलेस के नाम से भी जानते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीतर पैलेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ है? जोधपुर में है। बिल्कुल, आप देखिएगा, ताजमहल की तरह ही जो है दिखाई देता है ये चीतर पैलेस। तो इसका जो नाम है ये है उम्मेद भवन। ठीक है, उम्मेद भवन पैलेस भी इसका नाम है। तो याद रखें, चीतर पैलेस या उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में। तो पटवार के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधव सिंह ने? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? सोचिए इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर जिन बच्चों ने लगाया है कि बूंदी में रंग महलों का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था, सही है। अगला देखिए, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है पारिख दुर्ग, वन दुर्ग, धन्व दुर्ग या जल दुर्ग। तो ये सभी जो है दुर्ग, इनके अर्थ जो है वो आपको पता होने चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान दें, पारिख दुर्ग यानी पारिख में क्या आ रहा है? खा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ क्या हो? खाई हो, तो उन दुर्गों को हम क्या कहेंगे? पारिख दुर्ग कहेंगे। ठीक है, ये याद हो गया आपको। वन दुर्ग, वन यानी जंगल, तो ऐसे दुर्ग जो कि चारों तरफ से बीहड़ वन से घिरे होते हैं, तो ऐसे दुर्ग को हम क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यदि मैं बताऊं आपको, तो जो शिवाना दुर्ग है वो एक वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? जंगल है, वन है। ठीक है, पारिख दुर्ग की अगर मैं बात करूं, तो जो भरतपुर का किला है, ठीक है, बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है, ये जो है वो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आएंगे, जूनागढ़। नेक्स्ट देखिए, धन्व दुर्ग। धन्व दुर्ग कौन से दुर्ग कहलाते हैं? ऐसे दुर्ग जो कि रेगिस्तानी जो इलाका होता है वहाँ बने होते हैं, यानी कि मरुभूमि में जो दुर्ग बने होते हैं, उन दुर्गों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? धन्व दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि सोने की तरह चमकने वाला जो दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग, तो ये एक धन्व दुर्ग है। ठीक है, जिसको हम धानवन दुर्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वह है जल दुर्ग। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, जिसके तार चारों तरफ जो है वो क्या हो? विशाल जल राशि हो, पानी से घिरा हुआ हो जो दुर्ग, तो ऐसे दुर्ग को जो है वो हम क्या कहेंगे? जल दुर्ग कहेंगे। इसे हम औदुक दुर्ग भी कहेंगे। ठीक है, इसी का पर्यायवाची है औदुक। तो औदुक दुर्ग कहें चाहे जल दुर्ग कहें, जिसके चारों ओर जो है वो पानी हो। तो एग्जाम्पल में क्या है इसका? गागरोन का किला। ठीक है, याद रखिएगा, चारों ही आपको बहुत अच्छे से जो है वो याद हो गए होंगे कि गागरोन दुर्ग जो है वह एक जल दुर्ग है, क्योंकि इसके चारों तरफ जल से ये पूरा घिरा हुआ है। तो SI के पेपर में ये आ गया है, तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, शिवाना का किला, जालौर का किला या बूंदी का किला? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे हम तारागढ़ नाम से भी जानते हैं? तो बताइए,
ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसका जो सही आंसर है वो है बूंदी का किला। बूंदी का किला जो है, जिसे हम तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं, किसने बनवाया? बा से बूंदी है और बा से ही बरसिंह। बरसिंह द्वारा जो है इस किले का निर्माण करवाया गया। ये कैसा दुर्ग है? तो ये एक जो है गिरी दुर्ग है, ठीक है, पर्वत पठार से जो है वो घिरा हुआ है ये दुर्ग। तो क्योंकि ये जो है, जो दुर्ग है, ये पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर स्थित है। तो एक जो दुर्ग है तारागढ़ के नाम से हम जानते हैं, तो वो दुर्ग अजमेर में है, जिसे किसने बनवाया था इस दुर्ग को? इसको बनाया बनवाया था अजय राज ने, और इसका नाम जो है वो रखा था अजय मेरु दुर्ग। ठीक है, बाद में जो है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, जब इसकी मरम्मत करवाई गई पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा, तो इसका नाम रख दिया गया तारागढ़। तो ध्यान रखिएगा, एक दुर्ग बूंदी में है जिसे तारागढ़ कहते हैं हम, और दूसरा दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। और जो अजमेर का तारागढ़ है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिंक, तो इसने तारागढ़ दुर्ग जो है उसको देखकर क्या कहा था कि ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अब हो सकता है एग्जाम में जो है वो आपसे बूंदी का किला जो है ये ऑप्शन में आपके मिल जाए, साथ में जो है वो अजय मेरु दुर्ग या तारागढ़ ये भी मिल जाए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने तो दो तारागढ़ पढ़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस अजमेर के जो तारागढ़ है इसकी बात कही थी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। गौराधाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा अजीत सिंह, ईश्वर सिंह, जसवंत सिंह या गंगा सिंह? गौराधाई की जो छतरी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर। तो सभी प्रश्न जो हैं वो आपकी किताबों में से ही उठाए गए हैं, स्कूल की जो भी किताबें हैं 6 से 12 की, उसी में से ये प्रश्न उठाए गए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है राजा अजीत सिंह, अजीत सिंह के लिए जो है गौराधाई ने पूरा जीवन अपना कुर्बान किया, तो राजा अजीत सिंह जो है इन्होंने गौराधाई की छतरी का निर्माण करवाया। राजपूतों के नगरों और प्रासादों, प्रासादों क्या होता है, महल होते हैं, इनका निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे, वे प्रकृति प्रेमी थे, वे नगर जीवन से घृणा करते थे, वे बर्बर थे। तो राजपूत जो थे वो नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में ही क्यों करवाते थे? ताकि वो सुरक्षा महसूस करें, ठीक है, सुरक्षित महसूस करें। तो इसका आंसर क्या होगा, शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे, इस वजह से जो राजपूत थे वो अपने नगरों और महलों का निर्माण पहाड़ियों में करते थे, ताकि शत्रुओं के आने की सूचना उनको मिल सके, बहुत कठिनाई वाले रास्तों से शत्रुओं को आना पड़े। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा का मंदिर, किराड़ू का मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर या भंड देवरा मंदिर? तो बताइए राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए जो है वो आंसर रहेगा, नहीं ये नहीं रहेगा, ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा और ऑप्शन डी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है किराड़ू का मंदिर, ठीक है। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है, जो कहाँ पर है, बाड़मेर में है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस मंदिर को ही राजस्थान का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। तो देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट देखिए, जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है?
हाड़ा, परमार, सिसोदिया या कछवाहा। जयपुर स्थित गैटोर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो क्या रहने वाला है इसका आंसर? सही आंसर, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल सही कि कछवाहा जो राज परिवार है इससे संबंधित है जयपुर की गैटोर की छतरियाँ। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या कोटा? तो अभी जो है वो आप आंसर देते चलिए, लास्ट में मैं कमेंट देखूंगी और देखूंगी कि कितने आंसर जो है वो आप देते हैं, और टोटल जो है वो नंबर आप ज़रूर बताया करिए कि इतने प्रश्न में से हमारे इतने सही हैं और इतने गलत हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो है जोधपुर। ठीक है, कागा की छतरियाँ किससे संबंधित हैं? जोधपुर से संबंधित हैं। अभी कोर्स में हम लोग राजस्थान का जीके कर रहे हैं, और राजस्थान के जीके में अभी हम इतिहास जो है वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम में जो है वो लगभग सारा कोर्स ही कंप्लीट हो चुका है, बस वहाँ पर जो आपकी इकोनॉमिक्स है वही आपकी बाकी है। ठीक है, ज्योग्राफी के एक दो चैप्टर ही बाकी हैं, और बाकी इकोनॉमिक्स के जो है केवल दो ही चैप्टर दिए हुए हैं और इंडियन इकोनॉमी के ही दिए हुए हैं, तो ये भी आपके जो है वो जल्द ही हो जाएंगे। आप इसकी जो है वो बिल्कुल चिंता ना करें, और लास्ट में केवल रह जाएगा करंट अफेयर, यानी लगभग सेकंड ग्रेड का 90% जो सिलेबस है वो समझिए हो चुका। ठीक है, और आप लोग जो है वो अब अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर रखें, रिवीजन का टाइम आपको काफ़ी मिलेगा। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हम लोग जो है वो तैयारी करवा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए पूरा कोर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है वो अंतिम पड़ाव पर है, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बाकी है, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ हो चुकी है। और थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में राजस्थान का इतिहास हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और जहाँ पर मैंने आप लोगों को सभ्यताओं का टॉपिक जो है वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके साथ ही मैंने राजस्थान के जो राजपूत वंश हैं, ठीक है, पूरा मेवाड़ कंप्लीट हो चुका है, मारवाड़ आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही चौहान राजवंश ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही आप लोग जो हैं वो क्वेश्चन आंसर भी यहाँ यूट्यूब चैनल पर करिए, और वहाँ तैयारी भी साथ में करते रहिए। एग्ज़ाम के आने से वन मंथ पहले ही आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और रिवीजन का टाइम भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी जो है वो हाल ही में पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसके बाद जो है वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आपका आएगा, तो तैयारी अपनी जो है वो रेगुलर रखें। नेक्स्ट देखें, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कोटा में है, जयपुर में है, बूंदी में है या झालावाड़ में है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, कि 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ पर है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सभी बच्चे सही बताएंगे। तो बताइए फटाफट से जो है वो आंसर देते चलिए, जिसको भी आता है वो भी दीजिए, जिसको नहीं आता है वो भी दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वो नहीं आता है तो हम ना दें। देखिए आंसर जो है वो आपको देने हैं, इससे हमेशा माइंड में ये रहता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हुआ था और ये मैंने आंसर गलत दिया था, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तो हम उसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं, और फिर हमारे माइंड में जो है वो आंसर हमेशा के लिए बैठ जाता है जिसका हमने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो सही उत्तर जानने के लिए आपको आंसर जो है वो देना ही चाहिए। यहाँ जो आंसर है वो क्या है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में है, तो ये तो आप सभी को पता है। इस छतरी का निर्माण जो है वो किसने करवाया, तो ये आपको याद रखना है, राजा अनिरुद्ध जो हैं इनके द्वारा, इनकी जो दहाई भाई देवा थी उनकी स्मृति में इन्होंने 84 खंभों की छतरी बनवाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है, बूंदी में। तो आरपीएससी हेडमास्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, जगन्नाथ कछवाहा की जो 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है,
ऑप्शन है आमेर जयपुर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, सीकर टोंक या लालसोट दौसा। अब इस प्रश्न का जो आंसर है वो देखिए मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, और यहाँ दो ऑप्शन में ही आपको जो है कंफ्यूजन रहेगा। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खम्भों की छतरी कहाँ है? फटाफट से बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, ठीक है। और कुछ बच्चों ने जो है वो आमेर जयपुर को भी लगाया है जो कि गलत है। आपका आंसर क्या है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर या तारागढ़ बूंदी। बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा। तो कौन सा किला है जो गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ तारागढ़ अजमेर की मैंने आपको बताई कि ये जो किला है तो ये कहाँ पर है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है ये किला, तारागढ़ का किला, ठीक है। और इस किले को हम जो है वो अजय मेरू कहते थे, बाद में तारागढ़ कहा गया। और यही जो वो दुर्ग है जिसको हम गढ़ बीटली के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा किला जो है वो मेहरानगढ़ का किला है, कहाँ पर है, जोधपुर में है। किसके द्वारा बनवाया गया, तो राव जोधा जो है इनके द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया, ध्यान रखिएगा 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। कैसा दुर्ग है ये जो है गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है ये, गिरी दुर्ग है, ठीक है। इस दुर्ग को जो है वो हम मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है। तो उपनाम जो है इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो एग्जामिनर ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करता है, क्योंकि बच्चे केवल मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर में है, यहीं तक याद करते हैं। किसने बनवाया, राव जोधा ने बनवाया। याद रखिएगा मयूर ध्वज भी इसका नाम है, गढ़ चिंतामणि भी इसका नाम है, ठीक है। और ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये जो है किस पत्थर से निर्मित है, तो इसमें जो पत्थर यूज हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर जो है वह है इसमें यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो किला है वो है लोहागढ़ का किला। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है लेकिन साथ में ही मैं बहुत सारे जो है वो आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो लोहागढ़ जो है वो कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है। तो इस दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा इस दुर्ग का निर्माण जो है वो जो जाट राजा थे सूरजमल, बदन सिंह के जो बेटे थे सूरजमल जाट, इन्होंने भरतपुर में इसका निर्माण करवाया था। 1733 के लगभग इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि किले के प्रवेश द्वार पर जो अष्ट धातु से निर्मित जो दरवाजा है, अष्ट धातु से निर्मित जो दरवाजा है इसको कौन लेकर आया था, इसको इन्हीं के जो पुत्र थे कौन, जवाहर सिंह, ठीक है, ये लेकर आए थे 1765 में। कहां से लेके आए थे, याद रखिएगा दिल्ली से लेकर आए थे, ठीक है। लोहागढ़ जो भरतपुर में है किसने निर्माण करवाया, जाट राजा सूरजमल ने करवाया। किसके बेटे थे ये, बदन सिंह के बेटे थे। इसमें अष्ट धातु के जो दरवाजे हैं वो किसने यहाँ पर लगवाए, तो जवाहर सिंह ने लगवाए। कहाँ से लेकर आए थे, दिल्ली से लेकर आए थे, 1765 ईस्वी में लाए थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई। तारागढ़ जो बूंदी में है इसका मैंने आपको बता ही दिया था कि जो तारागढ़ बूंदी में है, बासे बूंदी और बासे ही बरसिंह, ठीक है, बरसिंह के द्वारा जो है वो तारागढ़ जो बूंदी में है उसका निर्माण करवाया गया। सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग या पारिक दुर्ग। तो यदि आप मेरी एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हो तो उनमें हर लाइन में जो है इम्पोर्टेंट चीज छुपी होती है। मैंने आपको सोनारगढ़ जो है इसके बारे में बता दिया कि सोनारगढ़ दुर्ग जो है वह किस दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है, जब मैंने आपको परिभाषाएं दी थी गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग और पारिक दुर्ग की।
तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सोचिए फटाफट से, ध्यान से जो है वो चीज़ों को सुना करें। तो राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी है वो किसे कहा जाता है, आपको याद है किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है धानवन दुर्ग। मैंने आपको बताया कि जो मरुभूमि में बना दुर्ग है वह है सोनारगढ़, जैसलमेर में है, और ये कैसा दुर्ग है, धानवन दुर्ग है। ठीक है, किसने करवाया इसका निर्माण, तो इसका निर्माण जो है वो राव जैसल ने करवाया था। ठीक है, भाटी शासक थे ये राव जैसल, और कब करवाया था, 1155 ईस्वी के लगभग करवाया था। और इतना ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सोनारगढ़ है इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण लाइन, कई बार जो है वो लाइन भी पूछ ली जाती है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके लिए ये कहावत है कि जहाँ पर जो है जाने के लिए पत्थर के तो पैर होने चाहिए, है ना, और लोहे का शरीर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है किस पर सवार होकर, काठ के घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो ये लाइन भी आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो है वो पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है, ऐसा कौन सा दुर्ग है, तो उस दुर्ग का नाम है जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, कहाँ बना हुआ है, जैसलमेर में ही बना हुआ है, धानवन दुर्ग है ये, किसने बनवाया, 1155 में राव जैसल भाटी शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इस किले के अंदर जो है जो जैन है पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, ठीक है, इनके मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ मंदिर और ऋषभदेव मंदिर जो जैन मंदिर हैं दोनों, तो ये कहाँ पर हैं, सोनारगढ़ दुर्ग में। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। डीग के महलों का निर्माण जो है किसने करवाया, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, महाराजा मानसिंह ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा जवाहर सिंह ने, या महाराजा सूरजमल ने। तो देखिए कई बार जो है वो बच्चे कोर्स में भी यही चीज़ बोलते हैं कि मैम इतना जो है अभी केवल हिस्ट्री ही चल रही है, बाकी क्लासेस लगाइए, यहाँ पर जो है वो साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो आपकी चल ही रही है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, हम लोग बहुत ही सफाई से चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, और पेशेंस बनाकर रखें, साथ में ही याद करते चलें। जिस तरीके से सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है एग्ज़ाम के, आप देखिए 2 मंथ पहले ही आपका कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे हम कि थर्ड ग्रेड का जो है वह भी जल्दी ही कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो है महाराजा सूरजमल। ठीक है, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया, जाट राजा महाराजा सूरजमल ने। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है, ओशिया मंदिर जोधपुर में, सालासर मंदिर चूरू में, रणकपुर मंदिर पाली में, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पर एक जो मिलान है वो गलत है, बाकी सभी सही है। तो देखिए कौन सा सही है, यहाँ पर ओशिया मंदिर जो है वो जोधपुर में है क्या, बिल्कुल सही है। सालासर मंदिर चूरू में क्या है, बिल्कुल सही है। रणकपुर मंदिर पाली में है, बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में है, ये क्या सही है, नहीं ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जगदीश मंदिर जो है वो कहाँ है, ये तो उदयपुर में है, तो इसका आंसर तो यही रहेगा। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है 2018, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं तो उन सभी के प्रश्न जो हैं वो आप ध्यान में रखें, उनको करते रहें, जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम होते हैं और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं यदि वो उन एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं तो उनके क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने ही चाहिए।
राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? तो देखिए रिपीट है ये क्वेश्चन, किराड़ू बाड़मेर, आभानेरी दौसा, चंद्रावती झालावाड़ या ओशिया जोधपुर। रिपीट है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से पूछ लिया गया है, बस इतना ही अंतर है। तो आंसर क्या रहेगा? यहाँ रहेगा किराड़ू बाड़मेर। याद रखें बिल्कुल साथ में ही बोलें इसको, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम जो है उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन। अब सोचिए कि इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए कि इन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, आपकी ही बुकों से आते हैं। वेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित तो है? सोम माही पार्वती, सोम जाखम पार्वती, माही कोठारी पार्वती या सोम माही जाखम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? वेणेश्वर धाम एक धार्मिक जगह है, बताइए, और ये जगह जो है वो है कहाँ पर, ये भी साथ में बताइए। चलिए मैं आप लोगों को देख लेती हूँ कि कौन कौन जो है इसका सही आंसर दे रहा है। फटाफट फटाफट से जो है वो बताते जाइए कि वेणेश्वर धाम जो है वह है किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बिल्कुल आंसर जो है वो फटाफट से सभी सही भी दे रहे हैं, बिल्कुल सही, सोम माही जाखम इन तीन नदियों के संगम पर स्थित है वेणेश्वर धाम। तो आज हमने जो है वो कुल कितने क्वेश्चन किए हैं? आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और हर क्वेश्चन में मैंने आपको दो या तीन जो है वो फैक्ट बताए हैं, किसी किसी क्वेश्चन में मैंने आपको जो है 5-6 फैक्ट भी बता दिए हैं। यानी कि यदि हम कहें कि एक प्रश्न जो है वो जो है तीन प्रश्नों के बराबर है, तो समझिए हमने आज कितने प्रश्न कर लिए हैं, लगभग 60 प्रश्न कर लिए हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करते रहेंगे, आप लोग तैयारी रेगुलर रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, और बताइएगा कि आपको जो है ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगती है। थैंक यू।